हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द न्यू लेक्चर ऑफ एक्ट एंड रूल। ये हमारा 17th नंबर का लेक्चर है। तो अब तक हमने टोटल 16 लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे आपको लेक्चर सारे मिल जाएंगे। तो आप सिक्वेंसली वो लेक्चर देखिए जिस सिक्वेंस में प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर अपलोड किए गए हैं, ताकि आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन द रोड सेफ्टी। एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अभिषेक गोविंदका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, एज यूजुअल, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो @manuacademy सर्च करिए टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको ये सारे लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है। टेक्निकल में भी मुझसे जितना असिस्टेंट हो सकता है मैं उनकी पीडीएफ बना के आपको दूंगा, दे भी रहा हूं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस केस का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। और यहाँ पे जो आपने देखा है कि अभिषेक गोविंदका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभिषेक गोविंदका ने क्या किया, जो हमारी यूनियन ऑफ इंडिया है उसके ऊपर केस कर दिया किसी मैटर पे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुआ क्या था एग्जैक्टली, अभिषेक गोविंदका ने एक PIL फाइल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इन्होंने हमारा जो रेगुलेशन है मोटर व्हीकल रेगुलेशन उसको कोट करते हुए कहा कि यहाँ पे जो मेंशनड है कि हमारी जो कार होती है या जो व्हीकल होती है उनकी जो ग्लास है या जो विंडोज है, विंडो के जो ग्लास हैं उसमें विजिबल ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का जो परसेंटेज है वो 70 होना चाहिए फॉर द फ्रंट, एंड फॉर द रेयर वो 50% होना चाहिए। मगर लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग ब्लैक फिल्म्स लगा के चल रहे हैं, जिसके वजह से जो रोड सेफ्टी है वो कंप्रोमाइज हो रही है। क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ओमन असॉल्ट हो रही है, लोगों का रेप हो जा रहा है, किडनैपिंग बढ़ गई है, बच्चों के साथ क्राइम हो रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट जो ब्लैक फिल्म की कार्स हैं उसके अंदर लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो बाहर जो लोग हैं या फिर पुलिस वाले हैं या ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको पता नहीं चलता है, जिसके वजह से वहां पे क्राइम बढ़ रहा है। इवन कुछ लोग क्राइम करके ऐसी कार से क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है कि कार में कौन जा रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने PIL फाइल किया। PIL पे सुनवाई कौन कर रहा था, हमारे चीफ जस्टिस उस टाइम के 2012 के, और दो जस्टिस और थे। क्योंकि ये जो केस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक वेलफेयर में यहाँ पे जजमेंट आया। हालांकि रूल पहले से था बट वो इन्फोर्स नहीं हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इन्फोर्स करने के लिए डायरेक्शन दिए। तो यहाँ पे थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप याद रख सकते हो तो यहाँ पे जो जजेज हैं जो इन्वॉल्व हैं उनका नाम भी याद कर लो। वैसे ऐसी बहुत सारी केसेज हैं, आप कितने जजेज का नाम याद करोगे, बट नेवरदलेस अगर आप पॉसिबल है तो आप याद कर लेना। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, लोगों के एक्सक्यूज का थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग ब्लैक फिल्म्स यूज करते हैं वो उनका एक्सक्यूज क्या होता है, वो क्या कहते हैं कि वो क्यों यूज कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो डिजीज का बहाना बनाते हैं कि उनको क्या है, धूप से प्रॉब्लम है तो इसलिए वो ब्लैक फिल्म्स यूज कर रहे हैं ताकि बाहर से जो रेज है वो आए ना, तो उनको डिजीज का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, अगर नहीं यूज करूंगा VVIP केस लगा देते हैं, तो हम तो VVIP हैं इसलिए यूज करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। और ऑब्वियसली ये जो टिंटेड ग्लास है, टिंटेड ग्लास क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, टिंटेड जो ग्लास है इसके वजह से रॉबरी मर्डर क्राइम जो सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है वुमन्स का, ये सारी चीजें बढ़ गई हैं। तो इसी को लेके PIL फाइल हुआ था। अब समझते हैं कि ये टिंटेड ग्लास क्या होता है, टिंटेड ग्लास किसे कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो व्हीकल होती है उसमें ग्लास को टिंट करके लगाते हैं ताकि जो एमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। ऑब्वियसली वहां पे जो विजिबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो हमको थोड़ी सी प्राइवेसी भी फील होती है क्योंकि बाहर के लोग हमको देख नहीं पाते हैं, तो हमको अच्छा फील होता है। और VVIP जो फीलिंग होती है ऑब्वियसली वो भी आती है। बट एग्जैक्टली जो टिंटिंग होती है, टिंटिंग मतलब प्रोड्यूस डार्क अपीयरेंस, अगर कहीं पे डार्क अपीयरेंस ग्लास में प्रोड्यूस किया जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, टिंटिंग कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टिंटिंग अलाउ ही नहीं है। हमारा जो रेगुलेशन है मोटर व्हीकल रेगुलेशन, इसमें भी टिंटिंग अलाउ है, बट उसका जो परसेंटेज दिया गया है वो 70% विजिबिलिटी वहां पे होनी चाहिए फ्रंट में
और 50% विजिबिलिटी होनी चाहिए हमारे गाड़ी के रेयर साइड से, इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ये टर्म बहुत बार आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद भी रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कवर इस टाइप की फिल्म है, इसको उतार रहे हैं पुलिस वाले। यहाँ पे आप देखो, ये महाराष्ट्र का डाटा एग्जैक्टली किस ईयर में कितने सारे लोगों ने इसको वायलेट किया और कितनी सारी फाइन लगाई गई, करोड़ों में फाइन लगाई गई है, लोग वायलेट करते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एसयूवी है एक, यहाँ पे लोग वीवीआईपी का वो देके नारा देके, मतलब एसयूवी में ब्लैक कांच लगा के घूमते रहते हैं। आपको पता है हमारे देश में वीवीआईपी जो कल्चर है वो कितना ज्यादा है, लोगों को अपने उससे जोड़ लेते हैं, ईगो से। तो ये रहा एग्जैक्टली हमारे केस का बैकग्राउंड। अब हम अपनी केस को डिस्कस करेंगे। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ था, अभिषेक गोयनका ने पीआईएल फाइल किया। अब पीआईएल फाइल किया तो जो हर देश होता है उसके पास कुछ लॉ होता है, ये जो लॉ होता है इसको इन्फोर्स करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑब्वियसली हमारे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, जहां पे भी हो आप, तो उस गवर्नमेंट की होती है। तो यहाँ पे ये जो लॉ था हमारे पास ऑलरेडी था, हमारा रेगुलेशन था, तो इसको इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। तो जब इन्होंने पीआईएल फाइल किया कोर्ट में, तो अब कोर्ट किससे पूछेगी, कोर्ट किससे पूछेगी, सरकार से, कि आप बताओ अगर हमारे पास लॉ है तो आपने इसको इन्फोर्स क्यों नहीं किया। इसलिए जो केस बना वो बना अभिषेक गोयनका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में। तो ये केस आगे बढ़ा और हमारी जो कोर्ट है उसने 28 पॉइंट में अपना जजमेंट सुनाया। 28 पॉइंट में कुछ पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट ना भी है। बहुत सारी स्टोरी भी कोर्ट सुनाती है जब अपना जजमेंट लिखते हैं वो, बहुत सारे रेफरेंस भी देते हैं वो। तो हम सबको, ऐसा नहीं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ देंगे, ओवरव्यू तो सबका ले लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में कोर्ट ने क्या कमेंट किया। तो जो पॉइंट वन था उसमें कोर्ट ने कहा कि ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है, जो हीनियस क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जैसे किडनैपिंग हुआ, सोशल असॉल्ट हुआ, डकैती हुआ, चोरी हुआ, लोगों को स्कैप करना मतलब पुलिस की नजरों से भाग जाना, जो इस टाइप के क्राइम्स बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल ब्लैक फिल्म से बढ़ रहे हैं, बट ये श्योर है कि वहां पे जो ब्लैक फिल्म्स है ये कंट्रीब्यूटरी है इस क्राइम को इंक्रीज करने में, इसकी हेल्प जरूर ले रहे हैं लोग। तो यहाँ पे इसको हमको ध्यान देना चाहिए। अब जो पिटिशनर है, पिटिशनर कौन है, गोयनका साहब, इन्होंने डिमांड किया था, मतलब डिमांड इन सेंस कह लो आप, इन्होंने प्रेयर किया था, कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे जो विजिबिलिटी है, जो हमारा रेगुलेशन देता है VLT जिसे हम कहते हैं विजुअल लाइट ट्रांसमिशन, हमारा जो रेगुलेशन है वो कहता है वो 70 और 30 होनी चाहिए। गोयनका साहब ने कहा कि नहीं, आप डायरेक्शन दो कि ये जो रेगुलेशन है इसको चेंज किया जाए और 100% का विजुअल लाइट ट्रांसमिशन दिया जाए सारे व्हीकल्स में। अब कोर्ट ने इनकी कितनी बात मानी वो आगे आपको पता चलेगा। दूसरा इनका रिक्वेस्ट था कोर्ट से, इन्होंने कहा कि जो ब्लैक फिल्म्स लगा के लोग घूम रहे हैं इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया जाए, क्योंकि इससे लोगों की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है, चाहे वो रोड पे चल रहे हैं उसके वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, एक्सीडेंट बढ़ जाता है, या फिर जो कार में लोग बैठे हैं वो कार में बैठे बैठे कुछ क्राइम कर रहे हैं क्योंकि बाहर से उनको कोई देख नहीं पाता है। तीसरी उनकी रिक्वेस्ट थी कि इसके लिए आप लार्जर अमाउंट में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करो, जो ये सारी चीजों को मॉनिटर करें और जो इसको वायलेट करता है उसको पनिश किया जाए, स्ट्रिक्टली पनिश किया जाए। तो ये जो पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट में ये जो था उसमें कोर्ट ने अपना व्यूज दिया, और ये जो तीन पॉइंट थे ये हमारे पिटिशनर ने रिक्वेस्ट किया था कोर्ट से, तो कोर्ट ने बताया कि जो पिटिशनर की रिक्वेस्ट है वो ये सारी है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है जिसमें कोर्ट ने कहा कि ऑब्वियसली ये जो ब्लैक फिल्म है व्हीकल पे जो यूज किया जाता है ये एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है वायलेटर्स को, और वायलेटर्स इसको तोड़ रहे हैं और जिसके वजह से क्राइम में क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहे हैं, क्राइम राइज कर रहा है, ये जो ब्लैक फिल्म यूज किया जा रहा है इसके वजह से क्राइम राइज हो रहा है। दूसरी बात, कोर्ट ने ये कहा कि ये जो टिंटेड वर्ड यूज हुआ है इसको लोग अपने मर्जी से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टिंटेड अलाउ है, बट टिंटेड कितना अलाउ है इसको लोग ब्लैक फिल्म से भी जोड़ देते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि द ग्लासेस ऑफ द व्हीकल हैविंग कोटिंग ऑफ द ब्लैक फिल्म्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज द टिंटेड ग्लास, क्योंकि उसको जो कार मैन्युफैक्चरर है उसने नहीं बनाया है। ऑब्वियसली जो कार मैन्युफैक्चरर होते हैं वो जो रेगुलेशन होता है उसको फॉलो करते हैं, बाद में हम कार खरीद के लाते हैं और उसके ऊपर अपने मर्जी से एक ब्लैक कलर की जिस जो भी पॉलिथीन होती है वो चिपका देते हैं, जिसके वजह से उसकी ट्रांसमिटिविटी क्या हो जाती है, बिल्कुल भी घट जाती है और अंदर विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, दिखता नहीं कि कार के अंदर कोई क्या कर रहा है। तो कोर्ट ने कहा
कि ये टिंटेड नहीं है कि आप घर पे लाओ और उसके उसके ऊपर ब्लैक फिल्म चढ़ा दो, तो उसको हम टिंटेड नहीं करेंगे, वो एक तरह का वायलेशन है। जो पॉइंट है उसमें उन्होंने कहा कि ये जो आप ब्लैक फिल्म लगाते हो इसके वजह से विजिबिलिटी घट जाती है, और जब तेज कार आप हाईवे पे चलाते हो तो विजिबिलिटी घटने की वजह से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ब्लैक फिल्म लगाया आपने, गलती किया आपने, बट लोगों की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, मरता कोई और है, तो ऑब्वियसली ये वायलेशन है, ये नहीं चलेगा। अभी जो कोर्ट कह रहा है ये सारा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि ये जो ब्लैक फिल्म आप लगाते हो इसके वजह से क्या क्या हो रहा है। तो जब भी कोर्ट अपना जजमेंट देती है तो पहले अपना ऑब्जर्वेशन बताती है, फिर उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसको कोर्ट करते हुए वो कहते हैं कि हम इन चीजों को बैन कर रहे हैं या फिर इन चीजों को अलाउ कर रहे हैं। तो अभी कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन बता रही है। डेफिनेटली इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन गोयनका साहब की है, कुछ ऑब्जर्वेशन कोर्ट की है। जो फिफ्थ नंबर की बात है, इसमें कोर्ट ने कहा कि जो ब्लैक फिल्म आप लगा लेते हो ना, ये प्रिवेंट करता है ट्रैफिक पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस इनसाइड जो कार की एक्टिविटी है उसको देख नहीं पाते हैं, इवन जो कार का ड्राइवर है उससे कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम होता है। ट्रैफिक पुलिस को अगर बात करना है तो सीधे क्या करेंगे, उनको दरवाजा खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक फिल्म से दिखेगा ही नहीं कि आप अंदर क्या कर रहे हो, वो इशारे में बात नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। जो हमारे प्रैक्टिशनर साहब थे इन्होंने ये कहा कि जो ब्लैक फिल्म लोग यूज कर रहे हैं ना, इसके वजह से 18% to 38% एक्सीडेंट बढ़ गया है, मतलब इंक्रीज हुआ है ब्लैक फिल्म्स यूज करने की वजह से। जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं, अब ये प्रैक्टिशनर साहब नहीं कह रहे, प्रैक्टिशनर साहब ने ऑलरेडी कोर्ट से कहा हुआ था, कोर्ट यहाँ पे प्रैक्टिशनर साहब की बात को क्या कर रहा है, कोर्ट कर रहा है, बता रहा है कि ये बात प्रैक्टिशनर साहब ने कहा है। तो प्रैक्टिशनर ने कहा अ डिवाइस कॉल्ड लुक्सोमीटर, ये आप याद रख लेना, लुक्सोमीटर क्या करता है, जो हमारी विजिबिलिटी होती है लाइट की, जो इनसाइड मतलब हमारी जो कांच की विजिबिलिटी होती है एलवीटी, उसको मेजर करता है। तो इस पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलवीटी मेजर करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना। तो जो हमारे पिटिशनर थे उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेटर्स है ये भी हमारे पुलिस के पास अवेलेबल नहीं है ताकि वो स्कैन कर पाए कि जो कार यूज हो रही है वहां पे विजिबिलिटी कितना है, एलवीटी कितना है, ठीक है, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो रीजन है ब्लैक फिल्म लगाने की वजह से, इसके वजह से हीनियस क्राइम बढ़ ही रहा है, इसके वजह से इंडिविजुअल की सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे स्टेट की सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज हो रही है। स्टेट की सिक्योरिटी मतलब हमारे देश की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है। कैसे, मान लो कोई मिलिटेंट है, उसको कहीं ट्रेवल करना है और उसने एक ऐसी कार ले रखी है जिसके अंदर ब्लैक फिल्म लगी हुई है, आप बाहर से नहीं देख सकते हो, तो आप वो कार के अंदर गन फिट कर रहा है, बम लगा रहा है, बम सेटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है आप नहीं देख सकते। अगर ये चीजें बाहर से दिखती तो लोगों का डर होता, कोई पुलिस को बुला लेता, कोई कुछ कर लेता, तो एक तरह का थ्रेट होता, लोग कार में एटलीस्ट ये काम नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इससे इंडिविजुअल के थ्रेट तो है ही है, हमारी स्टेट को भी थ्रेट है इन सारी चीजों से। जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन बताया है। कोर्ट ने कहा कि जो सिटीजन है उनके पास राइट टू लाइफ है, क्या है, राइट टू लाइफ है, लिव विथ डिग्निटी है, उनके पास इसका राइट है कि वो इज्जत के साथ जिए, उनके पास फ्रीडम ऑफ सेफ्टी है, उनके पास ये भी है कि उनके पास फ्रीडम हो, उनके पास सेफ्टी हो, ये सारा प्रोवाइड करना किसका काम है, हमारे स्टेट का काम है। ये कमेंट या ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने क्यों दिया, जो वीवीआईपी का एक्सक्यूज देते हैं उसके सेंस में कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल के प्रोटेक्शन के लिए या उनके इनकन्वीनियंस के लिए हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को खतरे में नहीं डाल सकते। बहुत सारे लोगों की लाइफ हम कुछ लोगों के लिए नहीं डाल सकते कि कुछ लोगों के इनकन्वीनियंस होगा ब्लैक फिल्म हटाने से, कुछ लोगों की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज जाएगी, कुछ लोग बहाना करते हैं कि हमको स्किन डिजीज है, तो हम उन लोगों के वजह से पूरी पब्लिक के लाइफ के साथ मतलब समझौता नहीं कर सकते। ये कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन बताया। जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कोर्ट का नहीं है, ये गोयनका साहब का है, गोयनका साहब ने कोर्ट को बताया, तो कोर्ट यहाँ पे मेंशन किया। गोयनका साहब ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे आरटीआई के फॉर्म डाले 2005 में, बहुत सारे स्टेट में डाले, तो वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैं और जो स्टेट है वहाँ से जो रिप्लाई आया उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि वहाँ की पुलिस या वहाँ की स्टेट या वहाँ की सरकार भी नहीं चाहती है कि लोग ब्लैक फिल्म्स लगा के चलें, वो भी चाहते हैं कि इस पे बैन हो,
इसके रिलेटेड गोयनका साहब ने कुछ एग्जांपल्स भी दिए। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बेलारूस है, जहां पे ब्लैक फिल्म्स को स्ट्रिक्टली बैन किया गया है। हमारे देश में ऑलरेडी इसके लिए रेगुलेशन है बट कोई फॉलो करने वाला नहीं है, क्यों नहीं है, ये सारे क्वेश्चन या डिबेट वहां पे कोर्ट में हुए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें कोर्ट ने हमारा जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, उसका जो सेक्शन है 190, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश किया है। ये सेक्शन क्या है, यूजिंग व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्हीकल जो अनसेफ कंडीशन में है, मैंने आपको बताया भी था, इसको यूज भी आया था इसका, कि अनसेफ कंडीशन की जो व्हीकल है उसके आप उसको आप पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज नहीं कर सकते या पब्लिक रोड पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस व्हीकल से एक्सीडेंट हो सकता है। तो कोर्ट ने यहां पे कहा कि जिस व्हीकल में ब्लैक फिल्म्स लगी हुई है, यहां पे विजिबिलिटी घट गई है, ड्राइवर को कम दिखेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्हीकल इस सेक्शन को वायलेट करती है और ये व्हीकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सेफ नहीं है। इस व्हीकल की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, लोगों की सेफ्टी को कंप्रोमाइज कर सकते हैं हम, तो इसलिए ये इनवैलिड है। ऑब्वियसली अल्टरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ द व्हीकल, ये हम कहते क्या है, हम तो गाड़ी खरीद के लाते हैं जो कि एक हमारे स्टैंडर्ड की या रेगुलेशन के हिसाब से बनी होती है, ब्लैक फिल्म तो हम घर पे लाके चढ़ाते हैं जो कि हम लॉ को वायलेट करते हैं और ये वैलिड नहीं है, ये परमिसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में कोर्ट ने कहा, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, नेक्स्ट पॉइंट में सेक्शन 52 को कोर्ट ने कोट किया। तो यहाँ पे जितना भी सेक्शंस मैं बता रहा हूँ सारे सेक्शंस के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना सेक्शंस के बारे में, तो अगर आप पढ़ सकते हो, जब भी हम सेक्शंस पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप इन सारे सेक्शन को सेपरेटली लिख लेना, क्योंकि ये सारे सेक्शन जजमेंट में आए हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो सेक्शन 52 है जिसको कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोट किया है वो है अल्टरेशन ऑफ मोटर व्हीकल। इसमें कहा गया है, इस सेक्शन में कहा गया है कि आप जो गाड़ी खरीद के लाते हो उसको घर पे अल्टर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो गाड़ी एक स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई गई है और जब उसको घर पे आप अल्टर करोगे, आपके पास कोई स्टैंडर्डाइजेशन है नहीं, तो वहां पे जो गाड़ी है उसमें डिफेक्ट्स आ जाएंगे, जिसके वजह से वो कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है, उसका कोई और प्रॉब्लम आ सकता है, जिससे लोगों की क्या है सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। और ऑब्वियसली जब आप गाड़ी लेते हो तो उसके कंडीशन को रजिस्ट्रेशन पेपर में मेंशन किया जाता है, तो ये परमिसिबल नहीं है कि जो मैन्युफैक्चरर है उससे जो आपने गाड़ी लिया है उसको अपने हिसाब से अल्टर कर पाओ। बट हम क्या करते हैं, हम तो गाड़ी को कस्टमाइज करवाते हैं ना, खरीदते हैं गाड़ी और कस्टमाइजेशन के लिए भेज देते हैं, हालांकि वो इनलीगल है फिर भी करवा रहे हैं, चेक नहीं करता है कोई, हमारे यहाँ लॉ बहुत है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको छूट भी है, कहा गया कि आप माइनर चेंजेस करवा सकते हो, बट ये माइनर चेंजेस करवाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके पास परमिशन रहेगा तभी आप ये माइनर चेंजेस करवा सकते हो। नेक्स्ट जो सेक्शन उन्होंने कोट किया वो है सेक्शन 53, ये भी हमारे एक्ट का ही है। तो एक्ट का सेक्शन 53 है जो बताता है आपको सस्पेंशन और रजिस्ट्रेशन के बारे में। जब आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां पे ये चीजें वेरीफाई की जाती हैं कि ये जो गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या ये पब्लिक रोड पे चलने के लिए सही है, इसके वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करवाया जिस गाड़ी का, उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको उसी के हिसाब से जिस कंडीशन में आपने दिया है उसी कंडीशन पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसी में उसका इंस्पेक्शन हुआ है, तो बाद में आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। वो मॉडिफाई करोगे आप तो वो सेक्शन 13 का वायलेशन है। सेक्शन को आप डिटेल में पढ़ लेना, या जब भी कभी हम डिस्कस करेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में कोर्ट ने कहा कि जो हमारा रेगुलेशन है, एग्जैक्टली यहाँ पे रेगुलेशन को कोट किया गया, मोटर व्हीकल रेगुलेशन जो रूल नंबर 100 है उसमें जो सेफ्टी ग्लास के बारे में बताता है। तो कोर्ट ने कहा कि डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर है वो सेफ्टी ग्लास यूज कर सकता है गाड़ी को बनाने में, बट ये जो सेफ्टी ग्लास की डिफिनीशन है उनको अपने मर्जी से नहीं बनाना है। इसकी सेफ्टी ग्लास की जो डिफिनीशन है, जो क्राइटेरिया है, ऑलरेडी हमारे रेगुलेशन में सेट की गई है, तो उसी रेगुलेशन के हिसाब से आपको सेफ्टी ग्लास बनाने हैं। सेफ्टी ग्लास हर कार में लगा होना चाहिए, ये भी जरूरी है क्योंकि हमारा रेगुलेशन कहता है। वहां पे कुछ गाड़ियों को एग्जम्प्ट किया गया है, जैसे एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर है, इस ऐसी गाड़ियों को, थ्री व्हीलर को वहां पे एग्जम्प्ट किया गया है, बट बाकी सारे गाड़ियों में सेफ्टी ग्लास
होने चाहिए। वहां पे ये भी बताया गया कि सेफ्टी ग्लास को आप कैसे बनाओगे, बट उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि सेफ्टी ग्लास की जो स्टैंडर्ड है वो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड से मैच होना चाहिए या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच होना चाहिए। यहाँ पे उसके इनर सरफेस एंगल के बारे में भी बताया गया है, ये है जो इनर सरफेस एंगल वो 30 डिग्री का होना चाहिए। इसको आप याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनर सरफेस एंगल कितना होना चाहिए हमारे ग्लास का, जो है 30 डिग्री। ठीक है, तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बताया गया कि जो ग्लास की ट्रांसपेरेंसी है वो 70% फ्रंट से और 50% बैक से होनी चाहिए, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया। तो ये सारे कंडीशंस हैं आपके सेफ्टी ग्लास लगाने के किसी भी व्हीकल में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में कोर्ट ने हमारे मैन्युफैक्चरर को कोर्ट किया और बताया कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, जो गाड़ियां बनाते हैं, जो भी स्टैंडर्ड पे उनको गाड़ी बनाना है, जिस भी साइज का बनाना है, जिस भी स्पेसिफिकेशन को, कौन सा स्पेसिफिकेशन फॉलो करना है, ये सारी चीजें हमारा जो रूल है उसमें मेंशनड है। तो जो चीजें हमारे रूल में मेंशनड है वो परमिटेड है। देखो ये लैंग्वेज देखना, आप लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, जो भी रूल में मेंशनड है वो परमिटेड है, जो भी रूल में मेंशनड नहीं है उसका मतलब वो क्या है, एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड मतलब वो रूल में है नहीं, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप अपने मर्जी से प्रीअज्यूम नहीं कर सकते कि ये चीज तो रूल में बैन नहीं किया गया है तो इसको मैं यूज कर सकता हूं। जो चीज इसमें लिखा नहीं गया है इसका मतलब कि उस वो चीज क्या है, बैन है। ये इंटरप्रिटेशन था सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मैन्युफैक्चरर को बताया, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरर अपने मर्जी से वहां पे जो रूल्स हैं उसको वायलेट कर रहे थे। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल भी दिया, यहां पे मेंशन है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उन्होंने कहा कि रूल जो 104 है उसमें फिलामेंट और रिफ्लेक्टर के लिए मेंशन है कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। रूल जो 104 है इसमें विजिबिलिटी के लिए या रिफ्लेक्शन के लिए जो लाइट है उसके लिए मेंशन है, ये भी आपको ध्यान देना है, इसके हिसाब से काम करना है। जो रूल हमारा 106 है वो डील करता है डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हमारे रूल 0106 में मेंशनड है। तो आप जो मैन्युफैक्चरर हैं अपने मर्जी से दिमाग ना लगाओ कि आपको क्या करना है, आप जो रूल में मेंशनड है आपको उसको फॉलो करना है, ये कोर्ट ने डायरेक्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो हमारे फ्रेमर हैं, जिन्होंने ये रूल फ्रेम किया है, डेफिनेटली ये अप्रिसिएबल है। उन्होंने गाड़ी के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से लेके रोड सेफ्टी तक के चीजों को ध्यान में रख के रूल्स बनाए हैं, तो इन सारी चीजों को अगर हम फॉलो करें तो हमारी जो रोड सेफ्टी है वो कंप्रोमाइज नहीं होगी। यहाँ पे जो कोर्ट है वो रूल 100, हमारा जो मोटर व्हीकल रेगुलेशन है 100, उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको मैंने पहले बताया जो इनर एंगल है, जो इनर सरफेस एंगल है वो कितना है, और हमारे जो रूल 100 का सबसेक्शन 2 है वहां पे बताया गया है VLT विजुअल लाइट ट्रांसमिशन के बारे में कि वो इससे 70 और 50 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको ये सारी चीजें भी फॉलो करना है, ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है। कोर्ट ने कहा कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड है VLT का, ये जो VLT का स्टैंडर्ड है, ऑब्वियसली ये हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करता है, उनका भी यही है। कोर्ट ने ऐसा कमेंट किया, बहुत सारे सेंस थे, क्योंकि हमारे जो पेटिशनर थे उन्होंने कहा था कि ये जो विजिबिलिटी लिमिट है इसको बढ़ा के 100% कर देना चाहिए, ये अभी भी इसके वजह से प्रॉब्लम होती है तो इसको 100% करो। तो उन सारे सेंस में ये सारा कोर्ट कर रहा है, ये सारी चीजें कोर्ट की गई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ऑब्वियसली जब कोर्ट कोई आपको ऑर्डर देती है या कुछ चीजें देती है तो उसके पीछे के जो रेफरेंसेज होते हैं, जो कारण होते हैं, वो आपको कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए कोर्ट ऑब्वियसली सारी चीजें मेंशन करती है। तो यहाँ पे अभी कोर्ट ये सारे उनके ऑब्जर्वेशन है जिसको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में कोर्ट ने कहा कि जो स्टैटिक्स है वो बताता है कि लोग किस तरीके से लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2008 में 110 ऐसे केसेज आए थे और 2010 में सीधे 1234 केसेज हो गए। अगर हम दिल्ली को कंसिडर करें, ये दिखाता है कि जो ऑफेंडर हैं किस तरीके से लोग, मतलब लॉ का लोगों के मन में डर ही नहीं है, लोग लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको कि जो हमारे यहाँ पे याचिकाकर्ता है उन्होंने कहा था कि जो हमारा VLT है, विजुअल लाइट ट्रांसमिशन, इसको 100% कर देना चाहिए।
तो कोर्ट ने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी सेट है, हमारे पास रेगुलेशन है कि उसको कितना करना चाहिए, कितना है वो ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे से वी कैन नॉट ग्रांट द पिटिशनर दैट रिलीफ टू पेड फॉर द 100% ऑफ VLT। यहाँ पे हम पिटिशनर की ये वाली जो अपील है इसको खारिज करते हैं, हम 100% वाली अपील को नहीं मान सकते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि द कोर्ट कैन नॉट इशू डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल शुड हैव द ग्लास ऑफ 100% VLT। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लेना। कोर्ट ने कहा कि भाई ये बात हम आपकी नहीं मान सकते कि 100% करना चाहिए। हाँ डेफिनेटली जो चीजें ऑलरेडी हमारे रूल में है वो सफिशियंट है, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये हमारे IS स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करती हैं, तो ये हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, बस हम इसी को फॉलो कर लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशियंट। यहाँ पे कह भी दिया है कोर्ट ने कि कोर्ट कैन नॉट इशू द डायरेक्शन टू कंटेनरी ऑफ द पोजिशन ऑफ द लॉ, दस वी डिक्लाइन द ग्रांट ऑफ दिस प्रेयर टू पिटिशनर्स। इस बार को उन्होंने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इसमें उन्होंने ऑब्वियसली कोर्ट ने कहा है कि जो हमारे पास ऑलरेडी VLT के लॉ है, ठीक है, वो VLT के लॉ जो 70% और 50% है, ये हम अगर फॉलो करें तो यही बहुत है, ये मेंटेन कर ले, ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करता है, तो दैट इज गुड। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट 18 नंबर, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा द ग्लास सो मैन्युफैक्चर्ड ऑलरेडी, जो ग्लास मैन्युफैक्चर ने मैन्युफैक्चर कर दिया हमारे व्हीकल के लिए VLT के स्पेसिफिकेशन में, और अगर आप घर पे लाके उसके विजिबिलिटी में रिड्यूस कर देते हो बाय एनी मींस, किसी भी तरीके से आपने फिल्म लगा दिया, आपने कुछ लोग देखा होगा गाड़ी के ऊपर पेंट भी कर देते हैं ना, आधे दूर तक कांच को पेंट कर देते हैं ताकि दिखे ना, तो किसी भी मींस से अगर आप विजिबिलिटी को रिड्यूस करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप वायलेट कर रहे हो हमारे रेगुलेशन 100 को। साफ साफ कोर्ट ने कहा कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो आप वायलेट कर रहे हो, एक लॉ को वायलेट कर रहे हो। नेक्स्ट चीज उन्होंने कहा सेकेंडरी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो जो हमारा व्हीकल है जो सेफ्टी ग्लास है वो लगना चाहिए, बट वो जो स्पेसिफिकेशन है प्रेस्क्राइब्ड है वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे जो साहब थे जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा था कि वो 100% कर दिया जाए, टिल्टिंग होनी ही नहीं चाहिए, मगर कोर्ट ने कहा कि टिल्टिंग जायज है, उतना चलती है जितना कि मेंशनड है, क्योंकि वो सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है उसमें कहा गया इट इज द मिनिमम परसेंटेज हैज बीन, इसका मतलब समझने की कोशिश करना आप, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ये जो 70% है, ये जो 70% विजिबिलिटी है और 50% फ्रंट के लिए जो विजिबिलिटी है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इसको तो आपको फॉलो करना ही करना है सारे मैन्युफैक्चरर को। अगर कोई मैन्युफैक्चरर चाहता है कि नहीं मेरी जो गाड़ी है, मेरी जो व्हीकल है, उसकी जो विंडो है उसकी विजिबिलिटी 80% फ्रंट पे होना चाहिए और बैक से 60% होना चाहिए, तो देखो ये दोनों जगह से बढ़ाया हुआ है ना, तो वो ये कर सकते हैं, इसके लिए वो फ्री है, वो चाहे तो 100% कर दें, ठीक है, इसमें कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है आप इसके नीचे नहीं जा सकते, मतलब आप विजिबिलिटी को VLT को आप घटा नहीं सकते हो, VLT को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, क्योंकि घटाने की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। VLT अगर पूरा होगी, जो विजुअल लाइट ट्रांसमिशन है वो ज्यादा होगी, अंदर की चीजें सारी दिखेंगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लेना। आपसे पूछ सकता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जो VLT लिमिट है क्या मैन्युफैक्चरर उसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या उसके हाथ में ये पावर नहीं है, इस टाइप के किसी भी टाइप के क्वेश्चन वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है कोर्ट ने कहा कि यूज ऑफ द ब्लैक फिल्म्स ऑफ एनी डेंसिटी इज इनपरमिसिबल। कुछ लोगों का ऐसा एक्सक्यूज था कि हमारा जो ब्लैक फिल्म्स लगा है ये तो 10% की डेंसिटी का है, बहुत ही कम है, इसकी इंटेंसिटी ऐसी है कि इसमें तो दिख ही रहा है, कहाँ खराब है, इस टाइप के एक्सक्यूज देते थे। तो कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा कि भैया आप किसी भी डेंसिटी का लगाओ, ब्लैक फिल्म्स लगाना ही नहीं है, जो भी बन के आया है मैन्युफैक्चरर की वजह से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, आप उसको अल्टर कर ही नहीं सकते, आप जो हमारा रूल 100 है उसको ओवर रूल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कोर्ट ने कहा यूज द ब्लैक फिल्म्स हैज बीन प्रूव्ड, ब्लैक फिल्म्स अब प्रूव्ड हो गया है कि ये क्रिमिनल पैराडाइज है और ये एक तरह का सोशियल इवल है। देखो कितना खतरनाक कमेंट है, सोशियल इवल मतलब सामाजिक भूत, मतलब प्रेत, या जो भी आप कह लो जिस तरीके से समझो, उन्होंने कहा कि ये एक सोशियल इवल है, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता है, इसको अलाउ
नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा इसके वजह से जो हमारा स्टेट है या जो हमारी पब्लिक है उसकी सिक्योरिटी लार्जर अमाउंट में कंप्रोमाइज हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्टेनली किसी न किसी तरीके से ये जो क्रिमिनल्स हैं उनका हेल्प करता है, वो पुलिस के आईज से स्केप हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं क्योंकि पुलिस को दिखता नहीं है इस कार में कौन जा रहा है, और वहां से वो हीनियस क्राइम करके, बहुत सारे खतरनाक या बहुत ही हीनियस क्राइम करके भाग जाते हैं। तो ये इसमें भी हमारी जो ब्लैक फिल्म्स है ये क्रिमिनल की हेल्प करती है। तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि अगर इतना सारे प्रॉब्लम है तो अगर हम पब्लिक वेलफेयर में या पब्लिक इंटरेस्ट में जो ये ब्लैक फिल्म्स है इसको प्रोहिबिटेड कर दें तो प्रॉब्लम क्या है। मतलब कोर्ट ने एक तरह से, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, समझाने के लिए कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर हम इसको लगाते हैं, और हमको लगाना भी चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है बहुत सारे वे में। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, आपको मैंने पहले भी कहा कि कोर्ट बहुत बार टोंट भी करती है लोगों पे, जो कमेंट या डिबेट चल रहा होता है उसमें कोर्ट बहुत सारे रेफरेंस भी लेती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कोर्ट जो है वो एक तरह से जो हमारा स्टेट है, जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, जो हमारी सरकार है, उनके ऊपर कमेंट कर रही है। इस कमेंट के लिए कोर्ट ने एक केस लिया, हीरा टीको वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। इस केस में हुआ क्या था, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सिमिलर केस ये भी है, फ्रेंड कॉलोनी डेवलपमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये दोनों केस नियर अबाउट सिमिलर हैं, जमीन अलॉटमेंट से रिलेटेड हैं। यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ है, इसके अथॉरिटीज ने क्या किया, ग्रीन लैंड, आपको पता है कुछ लैंड क्या होती है सिटी में ग्रीन लैंड नाम से एलोकेट होती हैं, तो इन्होंने ग्रीन लैंड को डेवलपमेंट के लिए दे दिया। और उससे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ये जो ग्रीन लैंड थी वो केवल 900 मीटर दूर थी हमारे एयरफोर्स के स्टेशन से। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेंट किया कि आप इंडिविजुअल के फायदा के लिए पूरे स्टेट के सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर रहे हो। सपोज करो वहां पे पब्लिक सेटलमेंट होता है, कोई मिलिटेंट बढ़ जाता है, तो वो एयरफोर्स की एक्टिविटी को मेजर कर सकता है और कल को पूरे देश की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। तो उन्होंने यहाँ पे एक कोर्स कहा, एक इस पूरे केस के सेंस में एक कोर्स कहा, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड का एक कोर्स है, इसका मतलब नीचे मैंने लिखा हुआ है, इसको आप कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, थोड़ा सा अजीब सा है, सैल्यूट्स पुपुली सुप्रमा लैक्स इस्टो, ठीक है, मैं थोड़ा गलत पढ़ाऊंगा तो आप सही पढ़ लेना आराम से, दैट इज नॉट अ मैटर। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने कहा कि हमको क्या करना चाहिए, हम किस लिए हैं, या स्टेट या कोर्ट जो भी लोग हैं वो पब्लिक वेलफेयर में काम करने के लिए हैं। तो कोर्ट ने कहा, इस कोर्ट का मतलब क्या था कि द हेल्थ वेलफेयर गुड या फिर फेलिसिटी ऑफ द पीपल शुड बी अ सुप्रीम लॉ। हमको पब्लिक का जो हेल्थ है, जो वेलफेयर है, उसको सुप्रीम पे रखना चाहिए। लेट द गुड या फिर सेफ्टी ऑफ द पीपल विल बी सुप्रीम। हम क्यों ऐसा नहीं करते कि पीपल की जो, लोगों की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, जो उनका वेलफेयर है, उसको हम सुप्रीम क्यों नहीं बनाते हैं। मतलब ये किस लिए कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी चंडीगढ़ की सरकार थी उन्होंने लोगों के सेफ्टी को कंप्रोमाइज करते हुए ग्रीन लैंड को किसी की डेवलपमेंट करने के लिए दे दिया। यहाँ पे ग्रीन लैंड जा रही है, मतलब ये भी कहा जाता है कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो भी वहां पे प्रॉब्लम होगी, पोल्यूशन बढ़ेगा। तो इस सेंस में सरकार ने, कोर्ट ने ये कोर्ट्स कहा। नेक्स्ट सेम चीज कहा इन द प्रेजेंस केस, मतलब जैसे कि चंडीगढ़ सरकार के बारे में कोर्ट्स किया गया, इस केस में कुछ वैसा भी है। कहा गया इवन इफ सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट लाइक सफर, कुछ लोगों का इंटरेस्ट सफर कर रहा है, किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, किसी प्राइवेट के इंटरेस्ट को हम पब्लिक इंटरेस्ट से बड़ा नहीं बना सकते। मतलब कुछ लोग कहते थे ना कि हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज जाएगी इसलिए हम ब्लैक फिल्म्स लगा के चल रहे हैं, तो किसी एक लोगों के सिक्योरिटी कंप्रोमाइज को बचाने के लिए हम लाखों लोगों की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकते, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन टू कंपाइल विद द लॉ, जो भी लॉ है ये हम सभी की ड्यूटी है कि हम उसको फॉलो करें, हम उसको ब्रेक ना करें या हम उसको ब्रेक करने का बहाना ना बनाएं। कोर्ट ने कहा द रूल आर मैंडेटरी, नोबडी हैज अथॉरिटी इन लॉ माउल्ड इन रूल ऑफ द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस और लग्जरी और सर्टेनली नॉट फॉर द क्राइम। कोर्ट ने कहा कि जो रूल है आप उसको फॉलो करिए, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से,
अपने लग्जरियस लाइफ के हिसाब से या फिर अपने क्राइम के हिसाब से उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, उसको माउल्ड नहीं कर सकते, उसको अपने हिसाब से डिफाइन नहीं कर सकते। जो पॉइंट है, कोर्ट ने यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि जो हमारे यूरोपियन रेगुलेशंस हैं उनके पास जो यूनाइटेड नेशन का रेगुलेशंस है उन्होंने भी जो VLT है उसको 70% और 75% रखा है, तो हमारी भी जो VLT है इनके साथ मैच कर रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो हम इतना सारा डिस्कशन किए हैं, इतने सारे डिस्कशन से हम बिना हेजिटेशन के साथ ये कह सकते हैं कि आज के बाद से यूज ऑफ द फिल्म एट एनी अदर मटेरियल, किसी भी मटेरियल को हम क्या करते हैं, इनपरमिसिबल कर देते हैं। आपको परमिशन नहीं है कि आप उसको यूज करो। आप जो हमारा लॉ है 00001002 का जो सबसेक्शन है उसको ओवर रूल नहीं कर सकते कोई भी रीजन बता के, चाहे सिक्योरिटी का, चाहे बीमारी का, चाहे कुछ भी रीजन बता के आप इसको ओवर रूल नहीं कर सकते। आज से जो ब्लैक फिल्म्स है उसको बैन किया जा रहा है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब दूसरे इशू की बात करते हैं जिसको हम इतना देरी से ला रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट इशू भी यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है हमारे देश में, जो VVIP कल्चर है। कोई अपने ईगो से, अपने VIP कल्चर से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता है। जो नेता बनते हैं शुरू शुरू में तो कहते हैं हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, मगर जैसे ही बनते हैं सारी चीजें भूल जाते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने उसी को कहा कि किसी भी इंडिविजुअल के सिक्योरिटी के रीजन से हम लोगों के सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मगर कोर्ट ने एक चीज और कहा यहाँ पे कि ये जो VVIP लोग हैं, ये जो यूज करते हैं ब्लैक फिल्म्स, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है हमारे रूल के हिसाब से, और वो इस रूल को ओवर रूल नहीं कर सकते। वो स्पेशल हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो रूल को ब्रेक कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने कहा कि हम इस मैटर में नहीं जाना चाहते या इसमें कमेंट नहीं करना चाहते। इस एरिया में जो सिक्योरिटी और सेफ्टी का मेजर है, ये काम होता है पुलिस डिपार्टमेंट का और होम मिनिस्ट्री का, तो वो लोग कंसिडर करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी है जिसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए, जिसको ओवर रूल करना चाहिए हमारे रूल 100 से, तो वो कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है, उसके लिए वो रूल बना सकते हैं। अब चूंकि जैसे ही सरकार के पास आया तो सरकार कुछ भी कर लेती है पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। अब ऐसा नहीं कि आप प्रधान को भी अलाउ कर दो, आप नगर सेवक को भी अलाउ कर दो। यहाँ पे कोर्ट ने थोड़ा सा इसको कंस्ट्रेन किया, यहाँ पे कंस्ट्रेन लगाया। उन्होंने कहा कि ये केवल उनके लिए वैलिड है जिनके पास जेड और जेड प्लस की सिक्योरिटी है। अगर किसी आदमी के पास जेड और जेड प्लस की सिक्योरिटी है और आप उसको एग्जम्प्ट करना चाहते हो, तो आप एक कमेटी बनाओ। उस कमेटी के मेंबर कौन कौन होंगे? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या पुलिस कमिश्नर, फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज, ये हो सकते हैं। ये डिसाइड करेंगे कि ये जो VVIP हैं इनको एग्जम्प्ट करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे जो कमेटी होती है इसमें मेंबर कौन होता है आप याद रख लेना, एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी ब्लैक फिल्म लगा के चल रहा है तो उसका मतलब वो क्या है, रूल को वायलेट कर रहा है, तो वहां पे आप ब्लैक फिल्म को रिमूव करिए, हटाइए वहां से और उस गाड़ी का चलान करिए। एक तरह से आप ऑर्डर ही मान सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में फिर से हमारी जो कोर्ट है उसने कहा कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो मैन्युफैक्चर करें, वो ग्लास टिंटेड ग्लास लगा सकते हैं, बट टिंटेड ग्लास की जो स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए वो हमारे रूल के हिसाब से होनी चाहिए। जो उसकी VLT होनी चाहिए वो 40% आ गया है, दिस इज एग्जैक्टली द 50%। तो ये 50% और 70% होना चाहिए फॉर द फ्रंट ग्लास एंड रेयर ग्लास, ये आपको इसको फॉलो करना है। नो ब्लैक फिल्म्स और एनी अदर मटेरियल, कोई भी ब्लैक फिल्म्स या कोई भी मटेरियल अलाउ नहीं है यूज करना, जो कि ट्रांसपेरेंसी लेवल को क्या कर देता है, घटा देता है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने मैन्युफैक्चरर से फिर से कहा कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो प्रोहिबिटेड है, ब्लैक फिल्म्स नहीं लगा सकते हैं, बाकी जो VLT का परसेंटेज है उसको मेंटेन करना है मैन्युफैक्चरर को। दूसरा डायरेक्शन उन्होंने इसी में दिया कि जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, इन सभी लोगों को ये इन्फोर्स करना है कि जो लॉ है, जो ब्लैक फिल्म्स नहीं लगाना है, ये सुटेबली अप्लाई हो, और किसी को अलाउ नहीं होता है कि वो ब्लैक फिल्म्स लगा के घूमे, क्योंकि ये जो लॉ है अब वो इन्फोर्स कर दिया गया है, इस जजमेंट को इन्फोर्स कर दिया गया है 4 मई 2012 को। ये डेट
आप याद रख लो, ये डेट शायद आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये पब्लिक वेलफेयर में था, मतलब काफी इस पे बहस हुई थी, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तो यहाँ की डेट भी आप याद रख लो। कब बैन किया गया था या इन्फोर्स कब किया गया था? 4 मई 2012 को ये जजमेंट को इन्फोर्स कर दिया गया था। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, मैन्युफैक्चरर ऑफ द व्हीकल मे मैन्युफैक्चर द व्हीकल विद द टिंटेड ग्लास। उन्होंने कहा कि टिंटेड ग्लास लगाना जरूरी है, क्योंकि ये भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ग्लासेस की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इससे ऑब्वियसली, तो ये टिंटेड ग्लास आपको लगाना है, ये चलेगा आपको। बट वी आर, यहाँ पे उन्होंने कहा है, वी पार्शली अलाउ दिस रीट पिटिशन टू प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ द ब्लैक फिल्म। यहाँ पे पार्शली क्यों कहा है? क्योंकि जो ब्लैक फिल्म है उसको तो उन्होंने टोटली मना कर दिया, इसको आप लगा ही नहीं सकते हो, बट जो हमारे पिटिशनर थे उन्होंने कहा था कि 100% विजिबिलिटी चाहिए, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमने इनकी पूरी बात नहीं मानी है, 100% विजिबिलिटी वाला तो नहीं चलेगा, LVT जो भी है उसके परसेंटेज को मेंटेन करना है, बट जो ब्लैक फिल्म्स हैं इसको तो स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है, इसको अब नहीं लगा सकता कोई भी। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो औरों के साथ शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।